मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। आज की तारीख है 10/7/2024 के बाबा के सकार महावाक्य। मीठे बच्चे अब सत्व प्रधान बन घर जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ निरंतर बाप को याद करने का अभ्यास करो, उन्ति का सदा ख्याल रखो। बाबा ने प्रश्न पूछा, पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? बाबा ने उत्तर दिया, पढ़ाई में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हल्केपन का अनुभव होगा, बुद्धि में रहेगा। यह शरीर तो छीछी है, इसको छोड़ना है हमको, तो अब घर जाना है। देवी गुण धारण करते जाएंगे, अगर पीछे हट रहे हैं तो चलन से असुरी गुण दिखाई देंगे। चलते फिरते बाप की याद नहीं रहेगी, वह फूल बन सबको सुख नहीं दे सकेंगे। ऐसे बच्चों को आगे चल साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। ओम शांति। बुद्धि में यह ख्यालात रहे कि हम सत्व प्रधान आए थे, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यहाँ सब बैठे हैं, कोई तो देह अभिमानी है और कोई देही अभिमानी होंगे, कोई सेकंड में देह अभिमानी और सेकंड में देही अभिमानी होते रहेंगे। ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम सारा समय देही अभिमानी हो बैठे हैं। नहीं, बाप समझाते हैं, कोई समय देही अभिमानी कोई समय देह अभिमान में होंगे। अब बच्चे यह तो जानते हैं हम आत्मा इस शरीर को छोड़ जाएंगे अपने घर, बहुत खुशी से जाना है। सारा दिन चिंतन ही यह करते हैं हम शांति धाम में जाएं, क्योंकि बाप ने रास्ता तो बताया है और लोग कभी इस विचार से नहीं बैठते होंगे। यह शिक्षा किसको मिलती ही नहीं है, ख्याल भी नहीं होगा। तुम समझते हो यह दुख धाम है, अब बाप ने सुख धाम में जाने का रास्ता बताया है। जितना बाप को याद करेंगे उतना संपूर्ण बन यथा योग्य शांति धाम में जाएंगे, उनको ही मुक्ति कहा जाता है, जिसके लिए ही मनुष्य गुरु करते हैं। परंतु मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं कि मुक्ति जीवन मुक्ति चीज क्या है, क्योंकि यह है नई बात, तुम बच्चे ही समझते हो। अब हमको घर जाना है, बाप कहते हैं याद की यात्रा से पवित्र बनो। तुम पहले पहले जब आए श्रेष्ठाचारी दुनिया में तो सत्व प्रधान थे, आत्मा सत्व प्रधान थी, कोई के साथ कनेक्शन भी पीछे होगा। जब गर्भ में जाएंगे तब संबंध में आएंगे। तुम जानते हो अभी यह हमारा अंतिम जन्म है, हमको वापिस घर जाना है। पवित्र बनने बिगर हम जा नहीं सकेंगे, ऐसे ऐसे अंदर में बातें करनी चाहिए, क्योंकि बाप का फरमान है, उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यही ख्यालात रहे कि हम सत्व प्रधान आए थे, अब सत्व प्रधान बनकर घर जाना है। सत्व प्रधान बनना है बाप की याद से, क्योंकि बाप ही पतित पावन है। हम बच्चों को युक्ति बताते हैं कि तुम
ऐसे पावन हो सकेंगे। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को तो बाप ही जानते हैं, और कोई अथॉरिटी है नहीं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। भक्ति कहाँ तक चलती है यह भी बाप ने समझाया है। इतना समय ज्ञान मार्ग, इतना समय भक्ति, यह सारा ज्ञान अंदर में टपकना चाहिए। जैसे बाप की आत्मा में ज्ञान है, तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। शरीर द्वारा सुनते और सुनाते हैं, शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल ना सके। इसमें प्रेरणा व आकाशवाणी की बात होती नहीं। भगवानुवाच है तो जरूर मुख चाहिए, रथ चाहिए, गधे घोड़े का रथ तो नहीं चाहिए। तुम भी पहले समझते थे, कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलना है। अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, अब बाबा ने जगाया है। तुम भी अज्ञान में थे, अब ज्ञान मिला है। अज्ञान कहा जाता है भक्ति को। अब तुम बच्चों को यह ख्याल करना है, हम अपनी उन्नति कैसे करें, ऊंच पद कैसे पाएं। अपने घर जाकर फिर नई राजधानी में आकर ऊंच मर्तबा पाएं, उसके लिए है याद की यात्रा। अपने को आत्मा तो जरूर समझना है, हम सब आत्माओं का बाप परमात्मा है। यह तो बहुत सिंपल है, परंतु मनुष्य इतनी बात भी नहीं समझते। तुम समझा सकते हो कि यह है रावण राज्य, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्टाचारी बन गई है। मनुष्य समझते हैं जो विकार में नहीं जाते हैं वह पावन है। जैसे सन्यासी हैं, बाप कहते हैं वह तो अल्प काल के लिए पावन बनते हैं। दुनिया तो फिर भी पतित है ना, पावन दुनिया है ही सत्युग। पतित दुनिया में सत्युग जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। वहां तो रावण राज्य ही नहीं, विकार की बात ही नहीं। तो चक्कर लगाते घूमते फिरते बुद्धि में यह चिंतन रहना चाहिए, बाबा मैं यह ज्ञान है ना। ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान टपकता होगा। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हुई नदियां हो, वह तो एवर सागर ही है। तुम एवर सागर नहीं हो, तुम बच्चे समझते हो। हम तो सब भाई भाई हैं, तुम बच्चे पढ़ते हो। वास्तव में नदियों आदि की बात नहीं, नदी कहने से गंगा जमुना आदि कह देते हैं। तुम अभी बेहद में खड़े हो, हम सब आत्माएं एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। अभी हमें वापस कर जाना है, जहाँ से आकर शरीर रूपी तख्त पर विराजमान होते हैं। बहुत छोटी आत्मा है, साक्षात्कार होने से समझ ना सके। आत्मा निकलती है तो कभी कहते हैं माथे से निकली, आँखों से, मुख से निकली, मुख खुल जाता है। आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है। यह ज्ञान है, स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है। तुम्हारे भी सारा दिन पढ़ाई के ही ख्यालात चलने चाहिए। अच्छे अच्छे स्टूडेंट के हाथ में सदैव कोई ना कोई किताब रहती है, पढ़ते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, सारा चक्कर लगाकर अंत में आए हो, तो बुद्धि में यही सिमरन रहना चाहिए। धारणा कर औरों को समझाना चाहिए, कोई को तो धारणा होती ही नहीं। स्कूल में भी नंबर वार स्टूडेंट होते हैं, सब्जेक्ट भी बहुत होती हैं। यहाँ तो सब्जेक्ट एक ही है, देवता बनना है। यही पढ़ाई का चिंतन चलता रहे, ऐसे नहीं पढ़ाई भूल जाए, बाकी और ख्यालात चलते रहें। धंधे वाला होगा, अपने धंधे के ही ख्यालात में लगा रहेगा। स्टूडेंट पढ़ाई में ही लगा रहेगा। तुम बच्चों को भी अपनी पढ़ाई में रहना है। कल एक निमंत्रण पत्र आया था इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस का, तुम उन्हों को लिख सकते हो। तुम्हारा तो यह है हठ योग, इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, इससे फायदा क्या होता है।
हम तो राजयोग सीख रहे हैं। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, वह रचयिता हमको अपना और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। अब हमको वापिस घर जाना है, मन मना भाव। यह है हमारा मंत्र। हम बाप को और बाप द्वारा जो वर्षा मिलता है उसको याद करते हैं। तुम ही है हठ योग आदि करते आए हो, इसकी एम एग्जैक्ट क्या है? हमने अपना तो बताया कि हम यह सीख रहे हैं, तुम्हारे इस हठ योग से क्या मिलता है? ऐसा रिस्पॉन्ड नटशेल में लिखना है। ऐसे ऐसे निमंत्रण तो तुम्हारे पास बहुत आते हैं। ऑल इंडिया रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का तुमको निमंत्रण आए और तुमको बोले आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो बोलो हम यह सीख रहे हैं। अपना जरूर बताना चाहिए, क्यों यह राजयोग तुम सीख रहे हो? बोलो हम यह पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ाने वाला भगवान है। हम सब ब्रदर्स हैं, हम अपने को आत्मा समझते हैं। बेहद का बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ माँ मेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ऐसी ऐसी लिखत बहुत अच्छी रीति छपा कर रख दो, फिर जहाँ जहाँ कॉन्फ्रेंस आदि हो वहाँ भेज दो। कहेंगे ये तो बहुत अच्छे कायदे की बात सीखते हैं। इस राजयोग से राजाओं का राजा बिशप का मालिक बनते हैं। हर 5 या वर्ष बाद हम देवता बनते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर फर्स्ट क्लास लिखत बनानी चाहिए। उद्देश्य तुमसे पूछ सकते हैं तो यह छपा हुआ रखा हो। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है। ऐसे लिखने से टिम पटेशन होगी। इसमें कोई हठयोग व शास्त्रार्थ करने की बात ही नहीं। उनको शास्त्रार्थ का भी कितना अहंकार रहता है। वह अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, वास्तव में तो वह पुजारी हैं। अथॉरिटी तो पूज्य को कहेंगे, पुजारी को क्या कहेंगे? तो यह क्लियर कर लिखना चाहिए हम क्या सीखते हैं। बीके का नाम तो मशहूर हो गया है। योग तो दो प्रकार का है, एक है हठ योग, दूसरा है सहज योग। वह तो कोई मनुष्य सिखला ना सके। राजयोग एक परमात्मा ही सिखलाते हैं, बाकी यह अनेक प्रकार के योग हैं। मनुष्य मत पर वहाँ देवताओं को तो किसके मत की दरकार नहीं, क्योंकि वर्षा लिया हुआ है। वह हैं देवताएं अर्थात देवी गुण वाले, जिनमें ऐसे गुण नहीं उनको असुर कहा जाता है। देवताओं का राज्य था, फिर वह कहाँ गए? 84 जन्म कैसे लिए? सीढ़ी पर समझाना चाहिए, सीढ़ी बड़ी अच्छी है। जो तुम्हारी दिल में है वह इस सीढ़ी में है। सारा मदार पढ़ाई पर है, पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। यह है सबसे ऊंची पढ़ाई, दी बेस्ट। दुनिया नहीं जानती कि दी बेस्ट कौन सी पढ़ाई है। इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता डबल क्राउन बन जाते हैं। अभी तुम डबल सिरताज बनने का प्रशांत कर रहे हो। पढ़ाई एक ही है, फिर कोई क्या बनते, कोई क्या वंडर है। एक ही पढ़ाई से राजधानी स्थापन हो जाती है। राजा भी बनते तो रंक भी बनते, बाकी वहाँ दुख की बात होती नहीं। मर्तबे तो है ना, यहाँ अनेक प्रकार के दुख हैं। फैमन बीमारियाँ अनाज आदि नहीं मिलता, फ्लड्स आती रहती। बस लखपति करोड़पति है, जन्म तो विकारों से ही होता है ना। धक्का खाया, मच्छर ने काटा, यह सब दुख है ना। नाम ही है रोरब नरक। तो भी कहते रहते फलाना स्वर्ग पधारा। अरे स्वर्ग तो आने वाला है, फिर कोई स्वर्ग गया कैसे? किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। अब बाबा ने ऐसे यानी कि निबंध दिया है, लिखना बच्चों का काम है। धारणा होगी तो लिखेंगे भी। मुख्य बात बच्चों को समझाते हैं अपने को आत्मा
समझो अब वापिस जाना है। हम सत्व प्रधान थे तो खुशी का पारावार नहीं था, अभी तमो प्रधान बने हैं कितना सहज है। पॉइंट्स तो बाबा बहुत सुनाते रहते हैं, तो अच्छी रीति बैठ समझाना है। नहीं मानते हैं तो समझा जाता है ये हमारे कुल का नहीं है। पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है, पीछे थोड़ी हटना है। देवी गुणों के बदले आसुरी गुण धारण करना यह तो पीछे हटना हुआ ना। बाप कहते हैं विकारों को छोड़ते रहो, देवी गुण धारण करो, बहुत हल्का रहना है। यह शरीर चीची है, इसको छोड़ना है। हमको तो अब जाना है घर, बाप को याद नहीं करेंगे तो गुलगुल नहीं बनेंगे। बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे, पूछेंगे तुमने क्या सर्विस की है, तुम कभी कोर्ट में नहीं गए हो, बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है। कैसे ये लोग चोरों को पकड़ते हैं, फिर केस चलते हैं, तो वहां भी तुमको सब साक्षात्कार कराते रहेंगे। सजाएं खाकर फिर पाई पैसे का पद पा लेंगे, टीचर को तो रहम आता है ना, यह नापास हो जाएंगे। यह बाप को याद करने की सब्जेक्ट सबसे अच्छी है, जिससे पाप कटते जाएं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, यही सिमरन करते हैं, चक्कर लगाते रहना चाहिए। स्टूडेंट टीचर को याद भी करते हैं और बुद्धि में पढ़ाई रहती है। टीचर से योग तो जरूर होगा ना, यह बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब भाइयों का एक टीचर है, वह है सुप्रीम टीचर। आगे चल बहुतों को मालूम पड़ेगा, आहो प्रभु तेरी लीला न्यारी। महिमा करके मरेंगे परंतु पा तो कुछ नहीं सकेंगे, देह अभिमान में आने से ही उल्टे काम करते हैं। देही अभिमानी होने से अच्छा काम करेंगे। बाप कहते हैं अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस जाना ही पड़ेगा। हिसाब किताब चुक तो कर, सबको जाना है, चाहे वह ना चाहे जाना जरूर है। एक दिन ऐसा भी आएगा जो दुनिया बहुत खाली हो जाएगी, सिर्फ भारत ही रहेगा, आधा कलम सिर्फ भारत ही होगा, तो कितनी दुनिया खाली होगी। ऐसा ख्याल कोई की बुद्धि में नहीं होगा सिवाय तुम्हारे, फिर तो तुम्हारा कोई दुश्मन भी नहीं होगा। दुश्मन आते हैं क्यों, धन के पिछाड़ी। भारत में इतने मुसलमान और अंग्रेज क्यों आए, पैसा देखा, पैसे बहुत थे अब नहीं है, तो अब और कोई है नहीं, पैसे ले खाली कर गए। मनुष्य यह नहीं जानते, बाबा कहते हैं पैसा तो तुमने आप पे ही खत्म कर दिया। ड्रामा प्रानुसार तुम्हें निश्चय है हम बेहद के बाप पास आए हैं। कभी किसके ख्याल में भी नहीं होगा कि यह ईश्वरीय परिवार है। अच्छा मीठे मीठे शिकला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, इस मीठी 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 मुरली के लिए, धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, चलते फिरते बुद्धि में पढ़ाई का चिंतन करना है। कोई भी कार्य करते बुद्धि में सदा ज्ञान टपकता रहे, यह दी बेस्ट पढ़ाई है, जिसे पढ़कर डबल क्राउन बनना है। नंबर 2, अभ्यास करना है, हम आत्मा भाई भाई हैं, देह अभिमान में आने से उल्टे काम होते हैं, इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। वरदान सतगुरु परम पिता परमात्मा जी का, सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। कहा जाता है सच तो बिठो नच, सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहे, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा, वह खुशी में सदा नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी, सत्यता कभी हिलती नहीं है।
अचल होती है, सत्य की नाम डोलती है लेकिन डूबती नहीं, तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान है। स्लोगन, व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। ओम शांति।